लोगों को मतलब दूध खाने तक इनका ध्यान रहता है, जब ये दूध देना बंद कर देती हैं तो बेचारियों को ऐसे सड़क पे छोड़ देते हैं। ये गलत है ना यार भाई। इन्हें सब दिन पूरी बाहर से फुर्सत नहीं मिली, क्या पते क्या है। आ दे दूध रे वैसे ही वैसे ही खिलत नहीं हो, अब क्या कर रहा है वो और क्या। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब, आपका स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो हमारे गुना का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, समझ में नहीं आ रहा। अप्रैल का महीना चल रहा है या जुलाई अगस्त का, एकदम भयंकर ये पूरे में पानी पानी हो रखा है चारों तरफ, इधर देख लो उधर साइड में, हर साइड ये। कोई कभी गुना आए तो लॉज के लिए परेशान ना हो, ये जैसल चौराहे के पास में ये के लॉज, आप लोग यहाँ पे लॉज लेके रह सकते हैं। और अगर टूरिस्ट के लिए आते हैं तो हमारे गुना में काफी अच्छा स्थान है, हमारे बब्बा का टेकरी सरकार, तो ऐसा ही कुछ है। अभी सर अपन जा रहा है ड्यूटी, मतलब काम का टाइम है, आज मॉर्निंग शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, मॉर्निंग जब पूरे दिन ही रुकना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, और क्योंकि आज मैडम छुट्टी पे है तो अकेला ही रहूंगा पूरे दिन। सीन कुछ ऐसा है कि बादल एकदम मतलब भयंकर उजाला हो रहा है बाहर, तो ऊपर चल रहे हैं चौथे फ्लोर को, भाई से चल के देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे, आप लोग ब्लॉग में बने रहो एकदम कंटिन्यू। कुणाल भाई अपने साथ जा रहे हैं लिफ्ट में, भैया कह रहे हैं बाहर से लिफ्ट से मत जाओ बंद कर दो, मैं कहा यार ऐसा मत करियो हम नहीं फंस जाऊंगा। तो भाई नजारा कुछ ऐसा है, ये देखो इधर ये इंद्रधनुष निकल रहा है, ये एकदम भयंकर, ये कुणाल भाई इधर फोटो ले रहे हैं अपनी और हम इधर से ही आए अभी। कैसा लग रहा है, एकदम पानी भी आ रहा है साथ में, दो ऊपर वाले फ्रूल पे जा रहे हैं अभी। चलो भाई ये गेट खोल गए, इधर ये लो यहाँ से खींच ले भाई। ओहो भाई गजब यार, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये हमारे कुछ गुना का नजारा आप लोग देख सकते हो। अभी बहुत खतरनाक मौसम हो रखा है, एकदम बारिश भी होने लगी हल्की हल्की, अभी एकदम पूरा ये दिख ही नहीं रहा था, ये सूरज भैया निकले हैं, ये इससे पहले कुछ भी नहीं दिख रहा था यहाँ पे, पर एकदम से पता नहीं क्या हुआ मौसम, मतलब पानी गिरने लगा सबसे ऊपर जाओ भैया बुला ले लास्ट फ्लोर पे। हम ये सोच रहे थे हम अकेले ही हैं, वो भैया भी यहाँ पे वीडियो बना रहे थे, वो देखो यहाँ पे काफी प्यारा लग रहा है भाई एकदम मौसम। मौसम है सुहाना जिया ना लगे, ओ बंसी बाले आ जाना जिया ना लगे। ये हमारे मध्य प्रदेश के मतलब भजन गायक है कोई, उन्होंने गाया मुझे याद नहीं किसने गाया, पर अच्छा लगता है भाई। जस्ट पास में ये सब्जी मंडी है जिसे हम चौपाटी भी बोलते हैं, यहाँ पे ये खाने पीने के ठेले लग रहे थे, ये पानी की टंकी है और ये हमारी पास में ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इधर ये यहाँ पे। हाँ हाँ भाई वाह, ये हमारी हो गए सर आ गए, हम सब लोग ऊपर फोर्थ फ्लोर पे ये रेमबो को देखने के लिए आ गए हैं। अब रेमबो चला गया है, अब अगर कोई पेशेंट भी आ गया ना पता क्या सोचेगा, क्या लैब में कोई नहीं है साहब, और ये लोग इधर सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, ये इधर सेल्फी वगैरह ले रहा है ये, और पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी शक्ल लाल दिख रही है क्योंकि बादल भी लाल हो रखा है पूरा, तो उसके इफेक्ट आएगा। आप लोग देख सकते हो फोटो कुछ ऐसे का फोटो कुछ ऐसा आया है अभी, ये इन लोगों ने ये फोटो खींचे थे ऐसे आए, देख रहा है कौन कौन है, कौन से मनीष भैया, कौन ही योगेश, कौन कौन हाल कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। हाँ इधर देख फोटो सकल खींचेंगे, सॉरी इधर देख सकल से फोटो खींचेंगे, और इनकी सकल अभी लाल पड़ी हुई सबकी। तो भाई लोग यहीं से टेकरी के दर्शन होते हैं, ये मंदिर देख रहा है एकदम ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा, जय श्री राम जय श्री राम। चलो अब नीचे चलते हैं, तो अगली बार क्लियर दिखेगा पड़क के मालूम। हाँ जय बात भैया, आपके मुंह में घी शक्कर, बब्बा के लिए जितना कुछ बन सके करवा देंगे, जो भैया ने खाया वो हो जाए एक बार बस। वहां से हम तीन लोग आ रहे हैं लिफ्ट में, पता नहीं ये कहाँ जाके गायब हो गया, ये कौन से फ्लोर पे आकर रुकी ये भाई पता नहीं, इस फ्लोर पे नहीं जाना हमको, जीरो पे जाना है, जो लास्ट में सबसे नीचे बस पे जाना है। कुणाल ही आया तो साथ में पता नहीं कहाँ चला गया भाई, लिफ्ट में आगे जादू हो गया जादू। भाई लोग आज जल्दी हो रहा है, कुणाल गाड़ी से घर जा रहा है, कुणाल गाड़ी चला रहा है, मैं पीछे बैठा हूँ। क्यों भाई कुणाल, ये भाई ये कुणाल गाड़ी